अदिति बेटा बेटा सो जाना, 3 बज गए, सकाळी कॉलेजला जायचं ना। हं आई मला त्रास देऊ नका। वॉचमैन 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 अरे कशाला? अरे कॉलेज वालों ने अदिति को क्लास से काय को निकाला? क्यों? अरे ए ते वाला माहिती आहे रे, मैं जानता हूं ये सब। सुन शांति, एक काम करते हैं, तू अदिति को बोल वो क्या बोलते हैं उसको, पत्रचार से उसका 12वीं का एग्जाम दिलवा देंगे। ठीक है, उसका 1 साल बर्बाद होने नहीं देंगे हम लोग। तू चिंता ना को कर रहे, मैं शाम को घर आता है फिर बात करता है। हाँ ओ बरा बरा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो, नाम क्या है तुम्हारा? मैडम माझा नाव शशिकांत जोशी है। मैडम मेरी बेटी अदिति वो कॉलेज वालों ने उसको क्लास से निकाल दिया हाफ माइंड बोल के। हाफ माइंड हो? तुमने किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाया उसको? नहीं 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 मैडम, मेरी अदिति पागल नहीं है, वो पागल नहीं है मैडम। बचपन से पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी, वो क्लास में टीचर लोग बाहर निकाल देते थे, बच्चे लोग भी बहुत हंसते थे उस पे। स्कूल से कंप्लेन आता था कि वो ध्यान नहीं देती है। वो घर आके बहुत रोती थी मैडम, बहुत रोती थी। 8वीं क्लास तक सब ठीक था, लेकिन फिर 9वीं में फेल हो गई। फिर हाई स्कूल 2 साल लगा के 3rd क्लास में पास हुई। उसके बाद से बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी, एकदम लड़ाकू स्वभाव की हो गई मैडम, सबसे झगड़ा करती थी। हम लोग क्या बोलते उसको मैडम, उसकी आई और मैं 5वीं पास है, क्या बोलते उसको? पूरा दिन ड्यूटी करता है, घर जाके फिर थक के कुछ खा के सो जाता है, उसको टाइम नहीं दे सकता है। ऊपर से कॉलेज वाले बोलते हैं कि उसको वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मैडम, कोई प्लान, वो कोई इंडी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, हो वही बोलते हैं उसको, स्पेशल कॉलेज में डालो। किधर से डालेगा मैडम, गरीब लोग हैं हम लोग, अरे क्या समझेगा, कहां से करेगा हम लोग, कुछ समझ में। तुम अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, मैं डॉक्टर हूं, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की डॉक्टर। हाँ टॉप फ्लोर पे क्लिनिक है मेरा, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अभी चलकर देखो, मेरी पार्किंग की जगह पर किसी ने गाड़ी लगा दी अपनी। हो मैडम मैं देखता है। ए, ए, मैडम के पार्किंग में कौन लगा रहे? कमरे का किराया और घर का खर्चा करते करते हम दोनों का पगार खत्म हो जाता है। तूने आदितीचं शिक्षण, त्याचा खर्च, अब उसकी इलाज के लिए कहां से पैसे आएंगे हमारे पास? मैं निरक्षर पिता है रे,
लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। थोड़ा सा पढ़ लिख लेता, कुछ कमा भी लेता, अच्छी नौकरी करता, फिर तुझे घरों में बर्तन नहीं मांजने पड़ते और अदिति को हमारी जिंदगी तो ऐसी गुजर गई, लेकिन अदिति का सपना पूरा होगा कि नहीं, उसकी पढ़ाई का, उसकी नौकरी का, कमरे का किराया और घर का खर्चा करते करते हम दोनों का पगार खत्म हो जाता है। अब उसकी इलाज के लिए कहां से पैसे आएंगे हमारे पास? मैं निरक्षर पिता है रे, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। देखिए, टेस्ट के हिसाब से अदिति को बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर क्या होता है? दो पोल्स, एकदम अलग अलग, जैसे उत्तर और दक्षिण। ये एक मानसिक विकार है। मेनिया की वजह से अदिति के मिजाज में एकदम तीव्र अलग बदलाव आते हैं, और यही कारण है कि वो थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। देखिए, आमतौर पर मेनिया के स्टेजेस के दौरान पेशेंट्स की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उनका मन भी बहुत नाजुक रहता है, और वो एबनॉर्मल तरीके से कभी खुश हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं, कभी बहुत उत्सुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स का जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। कमजोर लम्हों में बाइपोलर पेशेंट्स को किसी बुरी आदत की लत भी पड़ सकती है। रिजल्ट के बारे में सोचे बिना कोई भी हानिकारक निर्णय ले सकते। मैडम, इसका इलाज? रेगुलर दवाएं, रेगुलर काउंसलिंग सेशंस मेरे साथ,
और हमारी देखरेख, इससे हम अदिति की जो स्थिति है उसको संतुलित कर सकते हैं। डॉक्टर मैडम, मेरी अदिति को ऐसी बीमारी हुई कैसे? इस मानसिक बीमारी की एक हिस्ट्री होती है, जैसे बचपन में हुआ कोई हादसा, जेनेटिक हिस्ट्री, या हमारे समाज से मिला कोई बुरा एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से पेशेंट्स हमेशा रक्षात्मक तरीके में रहते हैं और भ्रम में जीते हैं। आपको याद है आपने मुझे बताया था बचपन में टीचर्स उसे क्लास से बाहर निकाल देती थी, बच्चे हंसते थे उस पे, ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस? हो मैडम, तो अदिति को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा मैडम? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर काफी यंग एज में शुरू हो जाता है और 15-20 साल तक हावी रहता है, लेकिन पेशेंट पूरी तरह से कब नॉर्मल होगा ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर अदिति हमारा साथ देगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जल्दी से अच्छी हो जाए। मैडम, आपको एक बात बताऊं? जी। ये अभी बीमारी की वजह से थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, लेकिन मैडम इसके हाथों में जादू है। ये गणपति और नवरात्रि के सीजन में जब मूर्ति बनाती है ना, तो खूब बिक्री होती है। आप देखना, इसकी मूर्ति इतनी खूबसूरत है, ऐसा लगता है भगवान ने इसके हाथों में वरदान दिया है। सच्ची मैडम। अरे वाह, इसका मतलब बिना किसी ट्रेनिंग के अदिति एक अच्छी मूर्तिकार है। हाँ, अच्छा शशिकांत, अब तुम ड्यूटी पे जाओ, मुझे अदिति से कुछ बात करनी है। अदिति, मुझे ये बताओ तुम्हें एग्जैक्टली अभी क्या फील हो रहा है? बदसूरत और दुखी। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, और मुझे लगता है कि अपने जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तुम्हारे अंदर जबरदस्त एनर्जी है। बकवास, मुझे तो जीवन बहुत कठिन लगता है और मैं तो अपने आप को बेकार महसूस करती हूँ। अदिति, तुम्हें कभी भी डिप्रेशन हो या कभी ऐसे बेकार फील हो तो तुम्हें अपने आप को बताना है कि मैं अच्छी हूं और अच्छा कर रही हूं। चाहो तो मन में बार बार दोहराओ, पेपर पे बार बार लिखो, मैं अच्छी हूं, अच्छा फील कर रही हूं। और तुमने अपने चारों तरफ जो ये डर और हेकड़ी की एक दीवार बना रखी है, इसको तोड़ने की कोशिश करो, तब तुम्हें अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। तुम्हें आगे पढ़ना है? Yes. कहो। डॉक्टर, अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं तो प्लीज। मैं ना अपने आई बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ना छोटी मोटी नौकरी भी मिलेगी ना तो मैं कर लूंगी। मैं ना अपने आई बाबा पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तुम मेरे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करोगी? तुम्हें फ्री खाना मिलेगा, फ्री दवाइयाँ, फ्री साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशंस। इससे तुम अपना खर्चा खुद उठा सकती हो, साथ में तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हारे आई बाबा की मदद हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, फिर कल सुबह से आ जाओ। अरे वाह, देखो तुम्हारी स्माइल कितनी ब्यूटीफुल और पॉजिटिव है। इस रजिस्टर में यहां पे आज के पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट के टाइम ले लेना, और डेस्कटॉप पे पुराने पेशेंट्स की लिस्ट चेक कर लेना, ठीक है? हेलो डॉक्टर। हेलो, गुड गोइंग वंदना। एचआर डिपार्टमेंट में साइकाट्रिस्ट की नौकरी के बाद अपना खुद का क्लिनिक, भाई वाह, कमाल है। यू आर एन एम्बिशियस वुमन। थैंक यू डॉक्टर, आइए आइए ना। या वैसे आप भी छाए हुए हैं आजकल अब्रॉड एंड इन द कंट्री इन सेमिनार्स। हां, करना पड़ता है, पार्ट ऑफ आवर जॉब। और बताइए डॉक्टर। सब ठीक ठाक।
हाल ही में 7-8 सेमिनार्स ऑस्ट्रेलिया में अटेंड करके आ रहा हूँ। काफी हेक्टिक नहीं हो जाते आपके सेमिनार्स? हाँ वो तो है, बट यू हैव केप्ट अ क्लम्सी मेड इट सीम्स। इसके पैसे मेरी सैलरी से काट लेना। डॉक, शी इज अदिति जोशी, माय रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट? वेरी वेरी सिंसियर गर्ल। बट डिड यू सी हाउ केयरलेस शी इज? डॉक, आई बिलीव इन गुड कर्मास। Aditi, she's suffering from bipolar disorder. And I want to help her. I want to help her achieve a good status in life. But Vandana, you are making unnecessary efforts for no fees. Meri mano to use kisi sarkari rehab mein bhej do. Uska kuch nahi hone wala hai. She's completely a useless case. Trust me. Anyway, ek college ke seminar mein lecture dene aaya tha. On bipolar borderline disorder. और उसी के लिए आपको इनवाइट करने चला आया। अपर मिडिल क्लास और एलिट्स में आजकल ये बीमारी बहुत पॉपुलर हो रही है, खास तौर से फेक केसेस बनाने के लिए जिसमें डिवोर्स और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सेमिनार जरूर अटेंड करें, और ये तो वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसा लोग कर रहे हैं। प्लीज डोंट मिस इट, देयर इज लॉट ऑफ कैश इन्वॉल्वड, दे आर पेइंग अस वेल। अदिति, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो। डॉक्टर, मैं ना किसी भी चीज़ में ना ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, जिसकी वजह से ना बहुत बहुत चिड़चिड़ापन होता है। ऐसा लगता है चारों तरफ ना उदासी छाई हुई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ना कोई छुरा चला रहा है। आत्महत्या के ख्याल आते हैं। ब्रह्म ना डराता है मुझे। मैं अपने आप से ना बहुत लड़ रही हूँ डॉक्टर, पर ना आई बाबा के आशीर्वाद से मुझे सही समय पे सही मार्गदर्शन मिला डॉक्टर मैडम से। नियमित योग अभ्यास से मेरी मेंटल स्टेट में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। अब मैं अपने मानसिक बदलाव के बारे में पूरी तरह जान गई थी, इसलिए अब मैं खुद अपने आप को हैंडल करने के लिए तैयार कर रही थी। मेरे दिमाग ने मुझे बहुत विचलित किया, लेकिन मेरे हौसले ने मुझे मेरे लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। चाहो तो मन में बार बार दोहराओ, मैं अच्छी हूं, आई एम गुड। या फिर किताब में लिखो, मैं अच्छी हूं, आई एम गुड।
दी थी। दवा लो। कल अच्छे से एग्जाम देना, फिर हम गांव जाएंगे काका और मामा के घर। हे पुरी, चल सो जा अभी, हाँ नहीं तो कल एग्जाम के वक्त नींद आएगी। हाँ है ना, चल सो जा। सो जा अभी। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, I'm good, मैं अच्छी हूँ। I'm really not saying that, you know. Wow! You passed your 12th? Congratulations! Doc, खाइए, अदिति पास हो गई है। मैम, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे बाबा सही कहते हैं, तुम कितनी कितनी सजीव मूर्तियां बनाती हो। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। अदिति जी, एक मिनट, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे डिजाइन्स लंदन स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में भेजे थे? हाँ मैम याद है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे डिजाइन्स वहां पर सेलेक्ट हुए होंगे। अदिति अपने बैग्स पैक कर लो, मैं तुम्हारे लंदन के टिकट्स कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे डिजाइन्स लंदन स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट हो गए हैं। कॉलेज से मैंने स्कल्पचरल आर्ट में ग्रेजुएशन की, साथ ही वंदना मैडम से ट्रीटमेंट और काउंसलिंग थेरेपीज भी कंटिन्यू रखी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी निरंतर अभ्यास कम कुशल व्यक्ति को भी निपुण बना देता है। चाहती तो विदेश में नौकरी कर लेती, लेकिन मैं ब्रेन ड्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अपने देश लौटकर अपने आई बाबा और मिट्टी का हक अदा करने के लिए मैंने एक मुंबई बेस्ड एमएनसी में होटल आर्किटेक्ट की जॉब ले ली।
कंपनी की तरफ से मुझे रहने को फ्लैट मिला तो आई बाबा का अपना घर होने का सपना भी पूरा हो गया। आई बाबा और मेरी डॉक्टर मैडम के चेहरे पे जो खुशी देख रही हूँ, शायद स्वर्ग इसी को कहते होंगे। सब इसकी वजह से, इसकी मेहनत है। गणपति बप्पा, इतना सहयोगी और स्नेह करने वाला परिवार देने के लिए तुमचा खूब खूब आभार।